फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आर्म्स के ऊपर। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने डोले का साइज कैसे बढ़ाएं, आप अपनी रुकी हुई बाइसेप्स की ग्रोथ को कैसे बढ़ाएं। फ्रेंड्स, हम आपको बाइसेप्स के लिए 5 ऐसी सुपर एक्सरसाइज बताएंगे जो आपके डोले का साइज फाड़ के रख देगी। फ्रेंड्स, आज हम आपको जो भी बाइसेप्स की एक्सरसाइज बताएंगे उन सभी एक्सरसाइज को आपको बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता अपनी मसल्स पर लोड डालते हुए करनी है। मतलब आप जब भी बाइसेप्स की एक्सरसाइज को परफॉर्म करें तो आप अपना डंबल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ले जाएं और आहिस्ता आहिस्ता ही नीचे लेकर आएं। और फ्रेंड्स, दूसरी बात, आज हम जो भी एक्सरसाइज आपको बताएंगे उन सभी एक्सरसाइज के आपको 3 सेट लगाने हैं। मतलब आपको हर एक एक्सरसाइज रुक रुक कर 3 दफा करनी है और हर एक एक्सरसाइज के पहले सेट के बाद आपको दूसरे सेट की एक्सरसाइज में वेट बढ़ाना है। मतलब एग्जांपल के तौर पर आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके पहले सेट में अगर आप 10 किलो वजन उठा रहे हैं तो आप दूसरे सेट में 12 किलो वजन उठाएं और तीसरे सेट में 14 किलो वजन उठाएं। मतलब हर सेट में आपको वजन बढ़ाते जाना है। और फ्रेंड्स, आज हम आपको जो एक्सरसाइज बताएंगे उन एक्सरसाइज को करते वक्त आपको सबसे ज्यादा ध्यान जो देना है वो है फुल रेंज ऑफ मोशन का। मतलब आप जो भी एक्सरसाइज करें उस एक्सरसाइज को पूरी करें, आधी नहीं। जैसे आप डंबल उठा रहे हैं तो आप डंबल को पूरा ऊपर तक उठाएं और पूरा नीचे तक ही लाएं। अगर आप आधी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको आधा ही फायदा मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपके डोले का साइज नहीं बढ़ता है तो आपको ज्यादा से ज्यादा वेट उठाने की कोशिश करनी है। बट ज्यादा वेट के साथ आपको 12 रेपिटेशन भी कम से कम करने हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अपने डोले का साइज बढ़ाने के लिए हमेशा एक ही वर्कआउट करते हैं तो ये भी एक रीजन होता है आपके डोले का साइज ना बढ़ने का। क्योंकि हमारी बाइसेप्स एक ही वर्कआउट बार बार करते रहने की वजह से ग्रो नहीं हो पाती है। इसीलिए बाइसेप्स को शॉक देने के लिए हमें बाइसेप्स का अलग अलग वर्कआउट ट्राई करते रहना चाहिए। इसीलिए अब हम जो बाइसेप्स का वर्कआउट बताने जा रहे हैं वो आपकी बाइसेप्स को शॉक देगा और आपके डोले का साइज दुगनी तेजी से बढ़ाने में फुल हेल्प करेगा। एक्सरसाइज नंबर 1, स्ट्रिक्ट कर्ल। फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपको एक स्ट्रेट बार का यूज करना है और सीधे खड़े हो जाना है और फिर आपको अपनी बार को पीछे की तरफ खींचना है। जब तक आप बार को पीछे खींचे, जब तक आपकी बाइसेप्स मसल्स स्क्वीज यानी आपकी बाइसेप्स पर दबाव ना पड़ जाए और फिर 1 से 2 सेकंड बार को होल्ड करें और फिर होल्ड करने के बाद बार को रिलीज करें यानी छोड़ें। बट ध्यान रहे, बार को रिलीज करते वक्त आपकी बार आपकी बॉडी से दूर ना जाए, आपकी बॉडी के करीब रहे। और ध्यान रहे, बार को पीछे की तरफ खींचते वक्त आपकी कोहनी बाहर ना निकले बल्कि आपके शरीर से मिली रहे। ऐसे इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। इस एक्सरसाइज से आपकी बाइसेप्स का लॉन्ग हेड पार्ट ट्रेंड होगा, आपकी बाइसेप्स की पीक भी बढ़िया हो जाएगी और आपका डोला फिर बड़ा दिखने लगेगा। इस एक्सरसाइज के कम से कम 10 से 12 रेपिटेशन करें और 3 सेट लगाएं और हर सेट में अपनी ताकत के अनुसार वेट बढ़ाते जाएं। एक्सरसाइज नंबर 2, केबल प्रेचर कर्ल। फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज को आपको किसी बेंच या मशीन पर परफॉर्म नहीं करना है बल्कि आपको इसको परफॉर्म करना है केबल के साथ। सबसे पहले आप पुली को सबसे नीचे लगा दें और फिर स्ट्रेट बार को आप पकड़ें, फिर आप मशीन से काफी दूर हटके नीचे बैठ जाएं। दोनों कोहनियों को आप अपने दोनों घुटनों के ऊपर रख लें और कमर सीधी रखें और फिर इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें और आप बार को पूरा पुल करें। जब तक पुल करें जब तक आपकी बाइसेप्स पर दबाव ना पड़े। बाइसेप्स पर दबाव पड़ने के बाद आप बार को हल्के हल्के रिलीज करें यानी छोड़ें, झटके से बिल्कुल ना छोड़ें। इस एक्सरसाइज से आपकी बाइसेप्स मसल्स पर काफी लोड पड़ता है और आपकी बाइसेप्स पंप होती है।
जिससे आपको बाइसेप्स का साइज बढ़ाने में मदद मिलती है। इस एक्सरसाइज के 10 से 12 रेपिटेशन करें और 3 सेट लगाएं, और हर सेट में आप वेट अपनी ताकत के अनुसार बढ़ाते जाएं। फ्रेंड्स, अब हमारे बाइसेप्स के वर्कआउट की 3 एक्सरसाइज बची हैं, जिन्हें अब हम ट्राई सेट में परफॉर्म करेंगे। मतलब पहली एक्सरसाइज के बाद दूसरी एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज के बाद तीसरी एक्सरसाइज आपको लगातार करनी है, और तब आपका एक सेट कंप्लीट होगा। बस आपको ये ध्यान देना है, जब पहली ट्राई सेट एक्सरसाइज करेंगे तो आपको सिर्फ 30 सेकंड्स का रेस्ट लेना है, और फिर दूसरी तभी ट्राई सेट एक्सरसाइज करनी है, और दूसरी ट्राई सेट एक्सरसाइज के बाद फिर 30 सेकंड्स का रेस्ट लेना है, और तभी एकदम से 30 सेकंड के बाद तीसरी ट्राई सेट एक्सरसाइज आपको करनी है। पहली ट्राई सेट आपकी एक्सरसाइज है रिवर्स इंक्लाइन डंबल कर्ल। फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आप ऐसे उल्टा बेंच पर लेटकर 2 डंबल का यूज करें, और डंबल को पूरा ऊपर तक रेंज ऑफ मोशन के साथ करें, और फिर डंबल को ऊपर 1-2 सेकंड तक होल्ड करें, और फिर नीचे तक लाएं। इस एक्सरसाइज के आपको 8 रिपीटेशन करने हैं, और फिर 8 रिपीटेशन करने के बाद आप 30 सेकंड का रेस्ट लें, और फिर तुरंत ट्राई सेट की अगली दूसरी एक्सरसाइज करें। इस एक्सरसाइज का नाम है बॉडी वेट बाइसेप्स कर्ल। फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आप सबसे पहले अपनी बार को ऐसे फिक्स कर लें, और फिर बार के नीचे आ जाएं, और फिर ये एक्सरसाइज परफॉर्म करें। इस एक्सरसाइज में आपको ध्यान ये रखना है कि आप अपने सिर्फ आर्म्स की ताकत लगाकर पूरा ऊपर तक उठें, इतना ऊपर उठें जब तक आपके बाइसेप्स स्क्वीज यानी आपके बाइसेप्स पर दबाव ना पड़ जाए, फिर 1-2 सेकंड के बाद होल्ड होकर नीचे आएं। इस एक्सरसाइज के 8 रिपीटेशन करें, और 8 रिपीटेशन करने के बाद आप 30 सेकंड्स का रेस्ट लें, और फिर आप अपनी ट्राई सेट की तीसरी एक्सरसाइज करें। इस तीसरी ट्राई सेट की एक्सरसाइज का नाम है जोटमैन कर्ल। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आप 2 डंबल को ऐसे सीधे पकड़कर ऊपर तक उठाएं, पूरा ऊपर तक उठाएं जब तक आपकी बाइसेप्स पर दबाव ना पड़ जाए, फिर आप डंबल को ऊपर ले जाकर डंबल को रोटेट करें, और फिर डंबल को रोटेट करके आप डंबल को नीचे आहिस्ता आहिस्ता लाएं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ही ऊपर ले जाएं। इस एक्सरसाइज के भी आप 8 रिपीटेशन करें, और फिर इन तीनों एक्सरसाइज को करने के बाद आपका हो गया एक सेट कंप्लीट। ठीक ऐसे ही फिर से आपको ये तीनों ट्राई सेट की एक्सरसाइज करनी है। ऐसे तीनों एक्सरसाइज के आप 3 सेट लगाएं। फ्रेंड्स, यहीं पर आपका बाइसेप्स का वर्कआउट कंप्लीट हुआ। ये वर्कआउट आपका डोला फाड़ के रख देगा। बाकी की जानकारी हम अगली वीडियो में देंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।